मैं सुमित राणा और आज आपको भारतीय पुराणों के चार वेदों के बारे में बताने वाला हूँ। वेद क्योंकि इतिहास में भी आते हैं, फर्स्ट चैप्टर वेद ही आता है। वेद, ये वेद हमारे भारतीय पुराण का सबसे पुराना, इन्हीं से हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है। वेद, वेद चार होते हैं और चार वेदों के चार उपवेद होते हैं। चार वेद हमारे कौन कौन से हैं? नंबर एक है सर्ववेद, दूसरा है यजुर्वेद, और तीसरा है सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद। ये हमारे चार वेद हैं, सर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन है सर्ववेद। ये सर्ववेद सबसे प्राचीन वेद है हमारा, सबसे जो कि कम प्राचीन है वो है अथर्ववेद। सर्ववेद में हमें क्या मिलता है? सर्ववेद में हमें गायत्री मंत्र मिलता है सूर्य देवता का, और इसमें ये बताया गया है कि जो समाज है ब्रह्म समाज, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्रह्म समाज ब्रह्मा के चार अंगों से हुए हैं। ब्रह्म समाज ब्रह्मा के मुख के द्वारा उत्पन्न हुआ है, क्षत्रिय समाज उसकी भुजाओं के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और वैश्य उनकी जांघों से उत्पन्न हुई है, और शूद्र जो कि उनके चरणों से उत्पन्न हुआ है। सर्ववेद में इंद्र के लिए 250 श्लोक हैं, श्लोक यानी मंत्र, और अग्नि के लिए इसमें 200 मंत्र हैं, ऋचाएं, जिन्हें हम बोलते हैं मंत्रों को ऋचाएं, जो कि ऋचाएं सर्ववेद में हैं। इन चारों वेदों को पढ़ने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वो 6 वेदांग हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। अब हम आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में जब हम कभी हवन होते हैं, हवनों में जो मंत्र उच्चारण होते हैं वो यजुर्वेद में मिलते हैं। यजुर्वेद में हवनों के उच्चारण का वर्णन है, उनके नियम पालन कैसे करना है, क्या करना है। इसमें माता को, किसी को भी बलि देने का विधि जो है वो भी इस यजुर्वेद में। तीसरा आता है सामवेद। हवन के समय जो गीत गाए जाते हैं वो सामवेद में मिलते हैं हमें, और ये जो गीत हैं ये सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। अथर्ववेद, इसमें सबसे रोचक चीज़ है ये अथर्ववेद। इसमें औषधियों की जानकारी मिलती है, जो औषधियाँ पेड़ पौधों से, वनस्पति से जो औषधि उत्पन्न होती है उसकी जानकारी, और इसमें जादू टोने का भी कई जो श्लोक हैं उनमें दिया हुआ है, इसमें उनका जादू टोने का वर्णन दिया हुआ है, और भी इसमें कई चीज़ें दी हुई हैं जो कि आधुनिक तरीके से हैं। अथर्ववेद सबसे नया है और सर्ववेद सबसे पुराना है। ये चारों वेद हैं। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। ये चारों हमारे वेद हैं जो कि भारतीय पुराण के हैं, और ये चारों वेद सर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसको कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक सामवेद को। अथर्ववेद में इसमें औषधियों के बारे में, सामवेद में संगीत के बारे में, यजुर्वेद में मंत्रों, यज्ञों के समय जो मंत्र होते हैं उसके बारे में, और इसमें भी मंत्र हैं सर्ववेद, जो कि इसमें काफ़ी ऋचाएं जो कि मंत्र दिए हुए हैं। तो अभी के लिए इतना ही, और इसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन भी आपको कहीं कहीं मिलता है। तो आपको इन चारों वेदों में इतना है, और इतने से आपका ये चारों वेद कंप्लीट होते हैं। इनमें कई और चीज़ें हैं जो कि मैं आगे वीडियो के साथ लाता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही।